अपने में कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम। शास्त्रों में कहा गया है कि दानम दुर्गति नाशनम। मैं आपको एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ 1994 की। एक कहानी है जबलपुर की। एक आदमी था, वो जो भी काम करता था ना, उसके काम में नुकसान ही नुकसान। एक बार नुकसान हुआ, दो बार नुकसान हुआ, तीन बार वो उसको लगता था कि पूरी विपत्तियां मेरे पास ही आ गई, यानी वो जकड़ गया था। ऐसी हालत हो गई कि एक बार उसने 10 रुपये के ब्याज से लोगों से, गुंडों से पैसे ले लिए। अब वो हालत ये हो गई कि एक दिन वो इटारसी से आ रहा था, तो इटारसी से आ रहा था, उसकी दो घाटे थी वो भी चोरी हो गई। तब उसको लगा कि मेरे साथ अब दुनिया खराब है। तब उसने कई लोगों को, परिचित लोगों को बुलाया और बोला कि मेरी हेल्प कीजिए, पर कोई उसकी हेल्प करने के। उसकी तीन जवान लड़कियां थी, तो उसको लगा कि लोगों की कुदृष्टि पड़ रही है। फिर वो वहां से जबलपुर आया। जबलपुर आने के बाद उसने क्या सोचा, वो लोगों के पास गया। एक भाई ने उनको यहाँ रखा, पर वो थोड़े दिनों बाद बोला कि अगर तुम अगर धर्म परिवर्तन करते हो तो तुमको मैं तुम्हारा कर्जा, मरता क्या ना करता, इसके मुंह से निकल गया कि मैं हाँ। पर इसको रात को सोते वक्त लगा कि यार मैं पैसे के लिए धर्म परिवर्तन करूँ, ये तो इसकी चेतना जागी। फिर बोला मैं मर जाता हूँ तो मैं जवाब नहीं। तो जबलपुर के पास भैरव घाट है, कौन सी है, भैरव घाट। वो भैरव घाट गया कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर उतने में उसको याद आया कि यहाँ पे विद्यासागर जी महाराज साहब है। विद्यासागर जी महाराज साहब को दिगंबरों में भगवान की तरह माना जाता है। तो उसके मन में आया कि मैं महाराज साहब का दर्शन कर लूँ और मेरी अंतिम। वो वहां से आया, आके अमरकंटक में विराजमान थे विद्यासागर जी। वहां पहुंचा तो प्रमाण सागर जी महाराज साहब वहां थे। उनके पास जाके बोला कि सर मुझे तो सुसाइड करना है। वो छौके कि कोई व्यक्ति मेरे दर्शन करने आता है, ये तो मेरे लिए सुसाइड। बोले तेरी व्यथा क्या है? तो उसने अपनी तकलीफ व्यथा सब बताई। अब आप सोच के ताजुब रहेंगे कि महाराज साहब के भी आंखों में पानी लग गया कि क्या आदमी की तकलीफ है। उसको हाथों हाथ वो विद्यासागर जी महाराज साहब के पास ले गया। विद्यासागर जी महाराज साहब ने सुना है उसकी पूरी व्यथा हुई, तो महाराज साहब ने बोला कि भाई देखो कोई जैन भाई को बात करो, इसकी जीविका का कोई प्रबंध करो। पर प्रमाण सागर जी ने बोला कि सर आप इसको आशीर्वाद दीजिए और कोई उपाय बताइए, यह आदमी बड़ा तकलीफ में है। तो उनके मुंह से क्या निकला मालूम है, सुन के आप तो दानम दुर्गति नाशनम। क्या बोला? दानम दुर्गति नाशनम, के दान कर। तो बोला साहब ये तो पैसे के लिए मरा जा रहा है और आप इसको बोल रहे कि दान करो, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। महाराज साहब ज्यादा नहीं बोलते, महाराज साहब ने बोला दानम दुर्गति नाशनम। तो पूछा गया कि तेरे पास कुछ है क्या? वो क्या पूछा, तेरे पास कुछ है? तो बोला मेरे पास 500 रुपये है। तो बोले कुछ इसमें से दान कर सकता है क्या? बोला मैं तो कल मरने वाला, मैं तो पूरा का पूरा आज करने को। उसने 500 का 500 रुपया उस दिन, ये दोपहर की बात है। और शाम को तो जबलपुर के कुछ प्रतिष्ठित लोग आए और उनको उन्होंने महाराज साहब ने बात की, तो एक ने बोला मेरे पास कपड़े की दुकान पड़ी है और कोई चलाने वाला नहीं है, आप इस आदमी को भेज दो। वो आदमी लग गया, उसके दूसरे तीसरे दिन तो उस दुकान में बिक्री दोगुनी चार गुना होने लग गई। तो उनको लगा कि इसके पांव बहुत बढ़िया है। और थोड़े दिनों के बाद उसकी 25% उस दुकान में भग। आज वो व्यक्ति जबलपुर में बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दानम दुर्गति, आपकी जितनी शक्ति है उतना दान आप करते रहिए, जरूर कीजिए। अगर जितनी आपकी शक्ति है ना, शक्ति को आप छुपाइए मत। जहां आपको लगता है कि मुझे किसी गरीब को रोटी देनी है तो रोटी दीजिए, पर दानम दुर्गति आप अपने हाथ से दान कुछ न कुछ, दान को छुपाइए मत, यानी आप अपने के लिए के शक्ति को कभी, और दान को कभी कभी भी शक्ति के ऊपर जाके भी काम मत करना। तो इसलिए बोलते हैं दानम दुर्गति ना। अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।